इंडिया गठबंधन की बैठक में कपिल सिब्बल के पहुंचने पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। होटल ग्रैंड हयात की लॉबी में काफी गहमा गहमी थी। लॉबी में जब सिब्बल ने एंट्री ली तो उस वक्त शिवसेना के सांसद संजय राउत आगे चल रहे थे। इसके अलावा कॉरिडोर में काफी सारे नेता मौजूद थे। वहां पर मौजूद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण समेत और दूसरे नेता कपिल सिब्बल को देखकर शॉक्ड रह गए। चव्हाण ने राउत से भी कुछ कहा। इसी दौरान सिब्बल सभी नेताओं को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए। सिब्बल का नाम आमंत्रित नेताओं की सूची में शामिल नहीं होने के कारण महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने सिब्बल से बात नहीं की। सिब्बल जब अंदर पहुंचे तो उनकी मुलाकात एनसीपी नेता सुप्रिया सुले से हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक में कपिल सिब्बल के आने की सूचना तेजी से नेताओं के बीच फैल गई। कपिल सिब्बल जब अंदर पहुंचे तो उस समय गठबंधन दलों के नेता फोटो सेशन के लिए इकट्ठा हो रहे थे। सिब्बल के फोटो सेशन से पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग में पहुंचने पर थोड़ी देर के लिए नाटकीय घटनाक्रम हुआ। सूत्रों की माने तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इंडिया गठबंधन की बैठक के आयोजक उद्धव ठाकरे से नाराजगी व्यक्त की। वेणुगोपाल की आपत्ति के बाद अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और फारूक अब्दुल्ला आगे आए। इसके बाद ये मामला राहुल गांधी तक पहुंच गया। राहुल गांधी ने वेणुगोपाल से कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल फोटो सेशन में शामिल हुए। फोटो सत्र के दौरान सिब्बल को समायोजित किए जाने से कई कांग्रेस नेता नाखुश और अनिच्छुक दिखे। उनकी ये नाराजगी इंडिया गठबंधन के आयोजक उद्धव ठाकरे से थी। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि सिब्बल गठबंधन की बैठक में किसके बुलावे पर पहुंचे थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।